बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पहले ज़माने में एक बादशाह था, वो शिकार के इरादे से निकला था कि इस दौरान इसकी नज़र एक खूबसूरत लोंडी पर पड़ी और बादशाह पहली नज़र पड़ने पर इस पर आशिक हो गया, लिहाजा इसने इस लोंडी को ख़रीद लिया और खुदा की कुदरत के वो लोंडी बीमार पड़ गई। मुआलजों को तलब किया गया ताकि लोंडी का इलाज मुआलजा मुमकिन हो सके। मुआलजों ने कहा कि हमारे पास हर मर्ज़ का शाफी इलाज मौजूद है, लेकिन इन्होंने साथ इंशाल्लाह कहना गुवारा ना किया, लिहाजा अल्लाह ताला को इनका ये रवैया पसंद ना आया और अल्लाह ताला ने इनके इलाज को अपनी शफा से महरूम रखा और इनके इलाज मुआलजे से कुछ वसूल ना हुआ। बादशाह की हालत गैर होने लगी, इधर लोंडी भी बीमारी की वजह से लागर होने लगी। मुआलिज इलाज से मज़ूर हो चुके थे। ये जानकर बादशाह ने मस्जिद का रुख किया और खुदा के हजूर सजदा रेज हो गया और उसकी तारीफ़ो तौसीफ सर अंजाम देने लगा और रो रो कर इससे फरियाद करने लगा। रहमत खुदावंदी जोश में आई। इधर बादशाह बारगाह इलाही में रोते रोते बेहाल होकर नींद की आगोश में जा पहुंचा था। ख्वाब में उसे ये नुवीद सुनाई गई कि एक अजनबी शख्स आएगा और वो लोंडी का इलाज करेगा और इसका इलाज बाफजले खुदा असर होगा। बादशाह इस अजनबी का मुंतज़िर रहा, बिला आखिर वो अजनबी आन पहुंचा। बादशाह ने इसका इस्तकबाल किया। बादशाह ने इस अजनबी से मुलाकात की और आजज़ी व इंकसारी के साथ पेश आया और इससे मदद की दरख्वास्त की। बादशाह इस अजनबी को बीमार लोंडी के पास ले गया, इस लोंडी का मुआयना किया और ये इंकशाफ किया कि मौलजों ने इसे जो दुआ दी थी वो दुरुस्त नहीं थी। क्यों ना वो जिस्मानी तौर पर दुरुस्त थी, सिर्फ दिल की बीमारी में मुब्तला थी। लोंडी के मर्ज़ से आशनाई हासिल करने के लिए अजनबी ने बादशाह से कहा कि मैं तन्हाई में लोंडी के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। अजनबी ने इससे दरियाफ्त किया कि वो किस शहर से ताल्लुक़ रखती थी, इसके रिश्तेदारों के बारे में दरियाफ्त किया और इससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। दर हकीकत वो जानना चाहता था कि लोंडी किसके सामने अपना दिल हार चुकी थी। लोंडी के साथ अजनबी की बातचीत के दौरान अचानक किसी मोड़ पर शहर कोटली का जिक्र आया। इस शहर का नाम सुनकर लोंडी ने एक ठंडी सांस ली और इसकी आंखों से अश्क बहने लगे। इसने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि इस शहर में एक ताजर ने मुझे एक अमीर कबीर सुनार के हाथ फरोख्त किया, जिसने मुझे 6 माह अपने पास रखने के बाद दोबारा फरोख्त कर दिया। इस तज़किरे पर लोंडी के चेहरे पर जर्दी छा गई। अजनबी ने लोंडी से इस सुनार का नाम और पता दरियाफ्त किया और तसल्ली दी कि फ़िक्र ना कर, तेरा मर्ज़ मैं कुछ समझ चुका हूँ, अब तेरा मर्ज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अजनबी ने लोंडी के मर्ज़ के बारे में चंद एक हकायक बादशाह को बता दिए और बादशाह से कहा कि किसी एलची को कोटली रवाना किया जाए जो सुनार को इनाम का लालच देकर दरबार में लाए ताकि लोंडी की जान में जान आ जाए। बादशाह ने 2 इलची कोटली रवाना किए जो इस सुनार तक जा पहुँचे और सुनार के फ़न की तारीफ़ करने लगे। बादशाह की जानिब से कुछ इनाम और सोना चांदी पेश किया और अपने साथ चलने के लिए कहा। वो बीवी बच्चे काम काज शहर और घर बार सब छोड़कर इनके साथ चल पड़ा। उसे बादशाह के हजूर पेश किया गया। बादशाह ने इसे ढेरों सोना देकर शाही जेवरात और ज़रूफ़ की हदायत की। अजनबी ने बादशाह को मशवरा दिया कि लोंडी सुनार के हवाले कर दी जाए, लिहाजा बादशाह लोंडी सुनार के निकाह में दे दी। इस दौरान अजनबी ने सुनार के लिए एक ऐसा शरबत तैयार किया जिसके 6 माह के इस्तेमाल के बाद इसका जिस्म ना सिर्फ कमज़ोर बल्कि बदसूरत हो गया और रंगत जोर पकड़ गई। इसकी खूबसूरती ज़ायल हो चुकी थी जिस पर लोंडी आशिक थी
और इसकी खूबसूरती जायल होने के साथ साथ लोंडी का इश्क भी रफू चक्कर हो गया। सुनार मौत से हम कनार हो गया। अजनबी के हाथों सुनार की हलाकत मसलते खुदाबंदी थी। अजनबी ने इसे किसी खौफ की बिना पर या किसी उम्मीद की बिना पर बादशाह की खातिर हलाक ना किया था, बल्कि मसलते खुदाबंदी के तहत हलाक किया था। क्यों ना इसे ऐसा करने का हुक्म बजरिया एलाम हुआ था। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत और खुश रखे। खुदा हाफिज़।